100 नंबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत है कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर है। पच्चीस नवंबर की रात एक परिवार खुशी से सराबोर था। बेटी की शादी थी, बारात दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सजी सवरी दुल्हन पर अचानक एसिड अटैक हुआ तो खुशी में खलल पड़ गया। खौफनाक वारदात अंजाम देने वाले दो लड़कियां थीं जिनकी तलाश में बरेली पुलिस शिद्दत से जुटी थी, और जब चार दिन बाद वो लड़कियां हत्थे चढ़ी तो तेजाब कांड की हकीकत खुद ब खुद सामने आ गई। चार दिन पहले यानी 25 नवंबर की रात बरेली के थाना कैंट इलाके के युग बिना लॉन में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हुई थी, जब दो लड़कियों ने कमरे में अपनी दादी के साथ बैठी एक दुल्हन को तेजाब पिलाने की कोशिश की। इस आपाधापी में दुल्हन का चेहरा और आंखें झुलस गई थी। आरोपी दोनों लड़कियां वारदात को अंजाम देकर फरार थी, लेकिन चार दिन बाद पुलिस ने दुल्हन पर एसिड अटैक का खुलासा कर दिया है। बरेली पुलिस की माने तो 22 साल की अनामिका कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही यानी पीड़ित दुल्हन अंजना के पति राहुल से एक तरफा प्यार करती थी। उसने कई बार फोन से राहुल से बात करने की कोशिश भी की। इस बीच अनामिका को पता चला कि राहुल की कहीं और शादी तय कर दी गई है। उसने ये बात नर्स का काम करने वाली अपनी छोटी बहन शिवांगी को बताई। दोनों ने सारी जानकारी जुटाई और शादी वाले दिन दोनों सज धज कर युग बिना लॉन पहुंच गए। चार साल से फेयर था, शादी के वादे किए थे उससे, मुझसे सब कुछ किया था कि हाँ उससे करूंगा, नहीं कि इसने धोखा दिया, मुझसे बोल रहा था जो कर सकती है वो कर ले। बस मुझे गुस्सा आ गया, मुझे खुद को पता नहीं चला मैंने क्या कर दिया। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, बस जो दिमाग में उस टाइम आया कर दिया मैंने। क्या करा आपने, तेल डाला था? हाँ, पता नहीं मुझे खुद को क्या कहता था जब आपके, हाँ बोलता था शादी के लिए, हाँ करूंगा 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 ये बोलता था। मौका देखकर वो दोनों दुल्हन अंजना के कमरे में घुस आई। वहां वो अपनी दादी के साथ बैठी थी। एक तरफा इश्क की मारी अनामिका और उसकी सहेली शिवांगी अपने साथ टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब लाई थी। पहले तो दोनों बहनों ने दुल्हन अंजना को तेजाब पिलाने की कोशिश की, और इस छीना झपटी में दुल्हन अंजना की दोनों आंखों की पुतलियां झुलस गई। दोनों बहनों ने पुलिस को भटकाने के लिए वहां पर एक पर्ची भी डाल दी, जिस पर लिखा हुआ था प्यार मुझसे और शादी किसी और से। सब कुछ भूल गई तो मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसमें कहा गया कि दो लड़कियां आई थी, एक लड़की कमरे के अंदर प्रवेश किया था, एक लड़की ने बाहर थी और एक ही कर रही थी कंटिन्यूस पिछले एक घंटे से, लेकिन वो जानती पहचानती नहीं थी, शक्ल देख करके जान सकती थी। इसका वजह जो बताया इन लोगों ने कि जिस लड़के की शादी हो रही थी उस लड़के से उसमें से एक लड़की प्यार करती थी और शादी को किसी भी तरीके से रोकना चाहती थी। इसकी बात इसने एक दो जगह और भी की, उसी आधार पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने दोनों को आज अरेस्ट कर दिया है, जेल भेजा जा रहा है। इसमें से एक लड़की प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, दोनों बहनें हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्स का काम करती है उसी ने यह पता लगवाया कि किस तरह से हम इसकी शादी रोक सकते हैं जिससे छोटी बहन प्यार करती है,
और इन्होंने पहले कई तरीके के प्रयास किए कि किस तरह से रोका जा सकता है। अल्टीमेटली इन्होंने ये प्लान बनाया कि तेजाब से हमला कर देंगे अगर दुल्हन पर तो शादी शायद रुक जाएगी। पुलिस को पहला क्लू छोटी बहन नर्स शिवांगी के अस्पताल से मिला, जहां पुलिस ने अस्पताल कर्मियों से संपर्क साध कर सबूत जुटाए। उसके बाद वहीं से पूरा मामला परत दर परत खुलता चला गया। बरेली पुलिस ने दोनों बहनों की फोन लोकेशन मालूम की तो वो रात में युगवीणा लॉन की ही मिली। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना सारा जुर्म कबूल लिया। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने इतनी जल्दी खुलासा करने पर पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। दीपक शर्मा, बरेली, नेशनल वॉइस। दुश्मनी पुरानी जरूर थी, लेकिन इंतजार उस मौके का था जब इंतकाम की वो आग बुझाई जाती। नफरत से सुलग रहे एक पक्ष को जब बदले का मौका हाथ लगा तो खौफ का ऐसा खेल खेला कि देखने वाले भी दहशत से भर गए। गाजियाबाद के थाना लोनी राजपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। तीन लोगों को गोली लगी, जिनमें से भूपेंद्र नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि उसके भाई जोगेंद्र और कुलदीप जख्मी हुए हैं। इलाके में शादी का माहौल था। रात के वक्त तीनों भाई शादी वाले रास्ते से लौट रहे थे, तभी सामने के घर से राइफल से गोली चलने लगी। हवा में कई राउंड फायर हुए और तीनों को भी निशाना बनाया गया। भूपेंद्र को कई गोलियां लगी, जबकि उनके भाई कुलदीप और जोगिंदर को भी गोली लगी। भूपेंद्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों जख्मी अस्पताल में भर्ती किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना अंजाम ना दी जाए। पौने 11 बजे की बात है, हमारे भाई गेट से बाहर निकल आ रहे थे। कुछ 7-8 लोग इधर से आ रहे, कुछ ने ऊपर मोर्चे संभाले हुए खड़े थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजानी शुरू कर दी। किस बात को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। खूनी वारदात के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 6 आरोपी हैं, वो भी मृतक के रिश्तेदारी में ही हैं। पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। लेकिन जब इलाके में शादी का जश्न मनाया जा रहा था, बैंड बाजा बारात निकल रही थी, काफी शोर था, तभी फायरिंग का दिन चुना गया। इससे शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर माजरा है क्या। वो यही पड़ोस में के लोग हैं सर। पड़ोस में ही है, बताया जा रहा है कि शादी पार्टी चल रही थी। हाँ जी, वहाँ कोई वाद विवाद हुआ ऐसा कुछ? हमारे यहाँ से कोई गए नहीं शादी पार्टी में। क्या करते थे भूपेंद्र? भूपेंद्र जी गांव यहाँ अपनी खेती बाड़ी करते थे और ज्ञानेंद्र सिंह जी के गांव का कोटा है। भारी पुलिस बल अब इलाके में लगाया गया है। किसी बड़ी अनहोनी का खतरा है, संवेदनशील माहौल है। कहा जा रहा है कि इस रंजिश में पहले भी हत्या हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ ना हो जाए इसके लिए पुलिस तैनात की गई है। लेकिन कुछ भी हो, ये वारदात एक बार फिर साबित करती है कि दुश्मनी वाकई
दर्द देती है और ऐसा दर्द देती है जिसकी टीस ता उम्र मिट नहीं पाती। दुश्मनी अंजाम देने वाला सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारता है तो दुश्मनी झेलने वाला सारी उम्र अपने को याद कर आंसू बहाता है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। जहां पूरा देश नोटबंदी की मार झेलने पर मजबूर है, वहीं उत्तर प्रदेश के बदमाश तब भी बाज नहीं आ रहे। शिकार तलाशते हैं और फिर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाते हैं। खबर बुलंदशहर से सामने आई है, जहां पहले तो लाखों की नकदी लूटी गई और फिर धमकी दी गई और पैसे का जल्द इंतजाम करो। ये खबर देखिए। हिंदुस्तान में नोट बंदी के बाद पैसे को लेकर होने वाले अपराधों में भले ही भारी गिरावट की बात कही जा रही हो, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में बाइक पर सवार होकर आए तीन बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गैस गोदाम पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने पहले तो अपने पिस्टल से फायर खोल दिए और फिर कैशियर को एक कमरे में बंधक बनाकर कैशियर से 1,18,000 रुपया नकद लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश जाते जाते कैशियर को 1,00,000 का और इंतजाम करने की धमकी दे गए। मेरा गेट लगा हुआ रहता है, वो खिड़की खुली रहती है, तो उसमें कर अंदर वो जैसे हुए बोले के कैश को दो। एक बंदा आया तो उसने पिस्टल तान दी मेरे ऊपर, मैंने कैश देने के बजाय मैं अंदर भागने की कोशिश, उसने जैसे गोली चलाई तो दो बंदे और अंदर आ गए, उन्होंने फिर गोली अंदर चलाई है और मुझ पे बजाने के बाद में फिर कैश छीन के ले गए। नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि अपने मालिक से कह देना कि 1,00,000 रुपए और लेने हैं। किसी बदमाश का क्या नाम बता कर गए थे? नहीं, ऐसा मुझसे कोई नहीं पूछना। क्या क्या बोल कर गए थे 1,00,000 रुपए के? नहीं, कहा कि अपने मालिक से कह देना कि 1,00,000 रुपए और भिजवा दे। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्थित इंडियन गैस गोदाम की। कुछ देर पहले यहाँ शांति से गैस बांटी जा रही थी और कुछ ही देर में यहाँ का माहौल कुछ का कुछ हो गया। दरअसल बाइक पर सवार आए तीन बदमाशों ने यहाँ आते ही फायर खोल दिए और भीड़ को यहाँ से भाग जाने के लिए कहा। जैसे ही गोली की आवाज से लोग भागने लगे तो बदमाशों ने कैशियर को रूम के अंदर कैद कर लिया। बदमाशों ने कैशियर से कैश की मांग की और विरोध करने पर कैशियर की पिटाई कर डाली। वहीं बदमाशों ने कैशियर से 1,18,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया, जबकि बदमाशों ने कैशियर को मालिक से 1,00,000 की रकम का इंतजाम कराने की धमकी और दे डाली। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही बुलंदशहर पुलिस कप्तान सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। दो बाइक सवार आए थे जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग करी और लगभग 1,18,000 रुपए लूट के ले गए। तो जो कैशियर है उसका कहना है कि वो 1,00,000 रुपए की और मांग करके गए, क्या कुछ मामला, क्या कोई किसी गैंग का अभी तक कोई नाम सामने आ रहा है? बताया है वादी ने, बताया हम लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है, जबकि पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि लूट के बाद और पैसे का इंतजाम करने की धमकी देने वाला ये गैंग कहीं जेल में बंद किसी बड़े अपराधी का तो हाथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस लिए दम तोड़ती नजर आ रही है? यूपी पुलिस कर क्या रही है? आखिर क्यों नहीं बेलगाम बदमाशों पर लगाम कसी जाती? कब तक उत्तर प्रदेश की जनता जुर्म से जूझती रहेगी? मोहित कौमल, बुलंदशहर, नेशनल वॉइस। बलात्कार वो घिनौना जख्म जो किसी भी औरत के जिस्म से ज्यादा उसकी अस्मिता पर चोट करता है और इसी दंश को बार बार उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां बर्दाश्त करने पर बेबस हैं। लेकिन सूबे की सरकार और उसकी पुलिस दावा करती है कि बहु बेटियां महफूज हैं। अगर बहु बेटियां वाकई सुरक्षित हैं तो फिर कानपुर में एक बेटी बदहवास क्यों हुई?
कानपुर के थाना बिठुर इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने आई 6 साल की एक मासूम बच्ची से हैवान ने दुष्कर्म कर डाला। खिलौनी वारदात की जानकारी होते ही डीआईजी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंच गए। कानपुर पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा और उस शैतान की तलाश में पुलिस जुट गई, जिसने इंसानियत की परवाह किए बगैर मासूम की मासूमियत रौंद दी। दरअसल थाना बिठूर इलाके के लवकुश वाटिका में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में ग्वालियर का एक परिवार भी शामिल होने आया। उनके साथ उनकी 6 साल की मासूम बच्ची भी थी। रात के करीब 12 बजे कोई हैवान बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। कुछ दूर पर एक अपार्टमेंट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बच्ची को घिनौना घाव देकर वो फरार हो गया। बच्ची को पास न पाकर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। मासूम लड़की पास ही बदहवास हालत में बरामद हुई। हमें यहाँ से गेट पे वहाँ से हमको सूचना मिली गेट लॉक कर दिया जाए। हाँ। तो हम दो चौकीदार यहाँ थे। अच्छा। एक कमलेश, तो हम लोगों ने गेट में ताला लगा दिया। हाँ। तो उसके बाद में मालूम हुआ कि लड़की मिल गई। अच्छा। वहाँ से कहाँ मिली? पीछे मिली। क्या हुआ उसके साथ? अब वो वही लोग बता रहे जिसके साथ बलात्कार हुआ, अपनी आंखों से नहीं देखा। अच्छा, कितनी बड़ी थी लड़की? लड़की थी करीब इतनी बड़ी थी, 5 साल 4 साल की है लगभग। लगभग। अच्छा। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना बिठूर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। 6 साल की बच्ची से रेप की जानकारी पर डीआईजी एसएसपी एसपी भी मौके पर आधमके। बच्ची को मेडिकल के लिए हेलट अस्पताल भेजा गया। वहीं कानपुर पुलिस की माने तो पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जल्द आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कल रात को जो है बिठूर थाना क्षेत्र में लवकुश वाटिका एक जगह, वहाँ एक बारात आई हुई थी, इसमें एक नाबालिग बच्ची का खिलाफ जो है रेप का प्रयास किया गया और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग जांच करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लिखा मुकदमे में? धारा 376(3) पॉक्सो एक्ट लगा हुआ। वाकई उत्तर प्रदेश में अस्मत छिन रही है और दरिंदे बेखौफ है। न पुलिस का डर है न ही कानून की परवाह, बस लगातार सामने आ रही है आवरू पर घिनौने वार की शर्मनाक वारदातें। सुमित अवस्थी, कानपुर, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही, कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।